नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माँ नितुला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की, जो कि अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रहा है और ये एक फ्रेश वैकेंसी निकल के आई है। सीटों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है और आरक्षण का भी पूरा रिजर्वेशन का लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। हम वीडियो में बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट बंगाली, बोटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी। हिंदी में देखिए 33 सीटें अवेलेबल है और हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस सब मिला के टोटल 18 सब्जेक्ट है, जिसमें 273 सीट उपलब्ध है। सीटों की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। जिनका पीजी में 55% मार्क्स है और नेट क्लियर है या सेट क्लियर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं 2 बार नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। अगर आप भी नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जिनका सेट एग्जाम निकला हुआ है, तो चैनल पर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर नेट जीआरएफ की फ्री में तैयारी करवाई जाती है, पेपर 1 और पेपर 2 की। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, पीएचडी एडमिशन, हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो यहाँ पर जानकारी आपको मिलती है। तो साथियों, हमने सब्जेक्ट देख लिया, अब एक एक करके हम सारी चीज़ें और डिटेल में देख लेते हैं। देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है वो सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से आया है। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका झारखंड से निकल के आया है। साथियों, यहाँ पे पहले भी एक भर्ती आ चुकी है जिसका वीडियो मैंने बनाया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। झारखंड में अभी जितनी यूनिवर्सिटी है सभी में वैकेंसी निकल के आ रही है, 2 यूनिवर्सिटी में आ चुकी है, आगे जैसे भी आएगी उसके भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 273 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर नियुक्ति की जानी है और अभ्यर्थी को चांसलर पोर्टल झारखंड लिखिएगा, आपको सामने आ जाएगा और अप्लाई का लिंक मैं वीडियो में दे भी दूंगा। तो आपको अप्लाई करने का जो डेट है वो 6 से 20 मार्च के बीच में ऑनलाइन आवेदन आपका होगा। ठीक है, तो 6 से 20 मार्च तक कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन फॉर्म आप भर लेंगे, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आपको अपना जो हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी उसको निकाल लेना है, प्रिंटआउट, और सभी आवश्यक जो दस्तावेज है एकेडमिक, जैसे पीजी का, नेट का सर्टिफिकेट या सेट का सर्टिफिकेट, सबको सेल्फ अटेस्ट करके स्व अभि प्रमाणित करके 28 मार्च तक आपको भेज देना है। ठीक है, इसके साथ एक डिमांड ड्राफ्ट आपको लगेगा। जनरल कैटेगरी के हैं तो फीस लगेगा आपको यहाँ पे 1000 रुपये, SC ST कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये हैं। इसका DD फेवर ऑफ सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के नाम से, दुमका के नाम से आपको यहाँ पर भेज देना है। ठीक है, और ये डेट जो है वो भेजने का 28 मार्च का है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर सेंड करना है। सीटों की संख्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और अब एक बार फिर से डेट को क्लियर कर देता हूँ। देख सकते हैं आपका सारा डेट, ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 6 मार्च से, अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन का आपका है 20 मार्च। ठीक है, हार्ड कॉपी बाय पोस्ट फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल के उसके साथ अपने एकेडमिक सारे सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी लगा के बाय पोस्ट आपको भेजना है, वो 28 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको जो सूचना मिलेगी वो 13 से 18/4 के बीच में, और इंटरव्यू आपका 23/4 से 10/5 के बीच में होगा, और रिजल्ट आपका मई के 3रे सप्ताह तक प्रकाशित हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके हमने सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता दी है। अप्लाई का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप उसको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।